हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसको लिखा है C.S. लक्ष्मी ने। सो यहाँ पे दिखाया है कि एक घर है जो कि रेलवे कैरिजेस की तरह बिल्ड किया गया है, यानी रेल में जो डब्बे होते हैं ट्रेन में, उसकी तरह एक के साइड में एक जोड़कर एक घर तैयार किया गया है। और उस घर के एकदम राइट मोस्ट कॉर्नर में एक किचन है जिसको केयरलेसली बिल्ड किया गया है। जो किचन है उसको बिल्ड करने में ज़्यादा थॉट नहीं दिया गया है, वहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनके बारे में नहीं सोचा गया है कि वो कैसे काम करेंगे, किस एटमॉस्फेयर में काम करेंगे, बस वो केयरलेसली बिल्ड कर दिया गया है। सो इस किचन में दो विंडोज़ हैं, एक विंडो के नीचे टैप एंड बेसिन है और दूसरी विंडो इतनी छोटी है कि उसमें प्लेट भी नहीं लगाई है, उसे कवर करने की भी कोशिश नहीं की है। उसके नीचे है ड्रेनिंग एरिया और उस ड्रेनिंग एरिया के बाहर लेज भी नहीं है। लेज यानी ऐसी चीज़ जो पानी को प्रोजेक्ट बाहर की तरफ करेगी, पानी किचन से बाहर की तरफ जाने में मदद करेगी, वैसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई है। तो यहाँ बताया है कि जैसे ही टैप खोलते हैं तो नीचे एक छोटा सा फ्लड हो जाता है, यानी पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण जो एड़ियाँ हैं, जो हील्स हैं, सोल्स हैं, वो फटने लग जाते हैं, चैपिंग होने लग जाती है। तो ऐसा बोला गया है कि जो फैमिली की हेड हैं, उनकी जो वाइफ है, जिनको सब बोलते हैं जीजी, तो वो जीजी जो हैं, सबसे पहले दिन जब कोई किचन में एंटर करता है तो उनको एक ऑइंटमेंट देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे जाके इनको ये सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और जब वो मील कुक करती हैं पहली बार किचन में, तो साथ में एक गोल्ड बैंगल देती हैं। तो आगे बताया है कि जो विंडो है उसके बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर है, बाहर माउंटेन्स दिखते हैं और माउंटेन्स के ऊपर एक डॉट दिखता है जो कि दूर है, इसीलिए डॉट दिख रहा है, वो एक टेंपल है गणेशा का। लेकिन वो जो साइट है वो ठीक से नहीं दिखती, क्योंकि उस साइट के आगे कपड़े सूख रहे होते हैं इन फैमिली वालों के। लेकिन किचन की एक अपनी ही वैल्यू है, किचन दिखाता है रिस्पेक्ट को, हॉस्पिटैलिटी को और कल्चर ट्रेडिशन को। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी को भी दिखाया गया है कि कैसे हमेशा उस किचन में पानी बॉईल होता रहता है, कि कभी भी कोई भी आ सकता है और उनको टी देनी पड़ती है, उनको चाय देनी पड़ती है। सबसे पहले उन्हें ठंडा पानी ऑफर किया जाता है, उसके बाद जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं वो बोलते हैं कि हमारे साथ आके खाना खाओ, और टी वो साथ में लेते हैं, इसीलिए टी जो है एक सिंबल है कल्चर ट्रेडिशन का। सो किचन को बताया गया है कि किचन एक सेट ऑफ बिलीव्स है, जहाँ पे डिलीशियस फूड पकता है, बनता है और लोग उसे साथ में बैठकर खाते हैं, तो रिलेशनशिप्स को, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन फिर भी ये किचन जो है बहुत ही केयरलेसली बना हुआ है, नीचे पानी प्रोजेक्ट आउट करने के लिए फैसिलिटी नहीं है, बल्ब जो है 0 वॉट का है, यानी अप्रोप्रिएट एडिक्वेट अमाउंट में लाइट भी नहीं है। विमेन जो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली काम करती हैं सुबह से लेकर रात तक, उनको चैपिंग ऑफ हील्स हो जाता है, उन्हें उनके हील्स चैप हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है यहाँ काम करने में। सो एक बार एक डॉटर इन लॉ होती है इनकी, जिसका नाम होता है मीनाक्षी, तो वो अपना एक बार ओपिनियन देती है कि क्यों ना हम ये कोर्टयार्ड एरिया थोड़ा सा एक्सटेंड करें, जिस पर जो जीजी हैं और जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, यानी पापा जी बोलकर जिनको एड्रेस किया जाता है, वो एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी डॉटर इन लॉ ने अपनी कोई भी ओपिनियन देने की हिम्मत नहीं की। सो यहाँ पे एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती हैं, जिनको एड्रेस किया जाता है एज बड़ी जीजी। जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, उनके जो फादर थे उन्होंने एक दूसरी शादी की थी एक यंग वुमेन से, जो उस टाइम पर 17 ईयर्स की थी, वो आज बड़ी जीजी हैं। और वो सिर्फ नाम में बड़ी जीजी हैं, क्योंकि उनमें और जो जीजी हैं उनमें सिर्फ 2 साल का गैप है। लेकिन जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बड़ी जीजी के हस्बैंड की, तब उसके बाद जीजी जो है पावर में आ जाती हैं और बड़ी जीजी की उतनी पावर नहीं रहती। ऐसा बताया गया है कि जैसे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स होते हैं, वैसे ही हैंड्स बाहर आ रहे हैं किचन से और उन विमेन को टाइटली बाइंड कर रहे हैं, और जो विमेन हैं वो इन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही हैं। विमेन के पैरों में भी बेड़ियां हैं और उन्हें उन्होंने नाम दे दिया एंकलेट्स। विमेन की कमर भी बंधी हुई है, लेकिन उन्हें उन्होंने बोल दिया कि ये ज्वेल्ड बेल्ट्स हैं। तो इस तरीके से विमेन को हर तरफ से
बांध दिया है और विमेन ने वो एक्सेप्ट कर लिया है। सो एक बार डिसाइड किया कि लेक के किनारे पिकनिक मनाने जाएंगे और हर रिलेशन जो है जाएगा। तो 20 मेंबर्स थे, 20 लोग जाने वाले थे। तो खाने का डिसाइड हुआ कि 100 पूरीज, इनफ पोटैटो, टोमेटो चटनी, 100 सैंडविचेस, हॉट मिल्क फॉर बेबीज़ एंड हॉट वाटर इन द फ्लास्क एंड कुछ चीज़ें स्नैक्स के लिए भी उन्हें चाहिए थी। और साथ ही साथ वो अपने साथ एक स्टोव ले गए कि वहाँ पर पकोड़े फ्राई करेंगे इवनिंग में। पकोड़े फ्राई करने के लिए जो भी लगता है, ऑयल, बेसन, चिली पाउडर, वो सब अपने साथ वो ले गए। सो मॉर्निंग में सारी लेडीज़ जो हैं काम करने लग जाती हैं किचन में, लेकिन इतना सारा क्योंकि खाना बनाना होता है तो इनकी आँखों में इरिटेशन हो जाता है स्मोक से और ये इनको स्वेटिंग होने लग जाती है। ऐसी सारी चीज़ें इनके साथ हो रही होती हैं। सो एक बार मीनाक्षी के हैंड्स के ऊपर कुछ वाइट स्पॉट्स होने लग गए थे, तो जो पापा जी हैं उसे डॉक्टर के पास ले गए और बोला कि क्योर क्या हो सकता है, इसका क्या मेडिसिन है, क्या कुछ है। तो डॉक्टर ने सिर्फ यही बोला कि बाकी लेडीज़ की तरह रहो तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर माना जाता था कि अगर कोई लेडी ज़्यादा बाहर रोम कर रही है, अपनी हदों से, अपनी लिमिट से बाहर जा रही है, तो वो लेडी इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। लास्ट में जीजी को बोला जाता है कि जो फूड है, ज्वेलरी है, ये सब चीज़ें हमारे फ्रीडम नहीं हैं। हमारी फ्रीडम वो है कि जब हम डीप वाटर्स को टच करेंगे, ग्राउंड से कनेक्ट होंगे, तब हमें एहसास होगा कि फ्रीडम क्या होती है। उसके बाद जीजी पीछे मुड़ती है और मीनाक्षी का हाथ थाम लेती है और यहीं पे ये एंड हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके थोड़े से डाउट्स बचते हैं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर इससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।